मित्रों नमस्कार, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषयक धारावाहिक हेल्थ यानी वेल्थ के साथ। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम वर्तमान में जारी कोरोना महामारी और लॉकडाउन के विषय में संबंधित विशेषज्ञ गुलाकों का मार्गदर्शन हासिल करते हैं। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज हमें जिन विशेषज्ञों का मार्गदर्शन हासिल हुआ है वे अकोला निवासी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और राष्ट्रीय ख्याति के प्रशिक्षक है। मैं बात कर रहा हूँ मनोज जी चांडक की। सर स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वर्तमान में जारी लॉकडाउन के बारे में आपकी राय क्या है। लॉकडाउन ने हमें यह मौका दिया है कि आज हम बैठकर खुद का आत्म परीक्षण करें और सोचे कि क्या वास्तव में मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ। जैसे बारिश का मौसम अधिकतर लोगों को अत्यंत प्रिय और अच्छा लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि बारिश में दोनों प्रकार के लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बारिश का भरपूर आनंद उठाते हैं, भीगते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं और साथ में खाने का भी भरपूर मज़ा लेते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरे बारिश के मौसम में सिर्फ और सिर्फ शिकायत करते रहते हैं और रोना ही रोते रहते हैं। इस लॉकडाउन के साथ भी यही हो रहा है। कहते हैं जिस बात को आप बदल नहीं सकते उसे सिर्फ स्वीकार कर लेने में ही समझदारी होती है। तो आइए इस लॉकडाउन को भी हम हंसते हुए स्वीकार करें, उसमें छिपे हुए लाभ और अवसरों को खोजें और इस तरह खुद को और अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक बनाएं। कोरोना की तो तमाम जानकारी हम हासिल कर ही चुके हैं, तो अब सारा रोना शिकायतें चिंता उदासी को त्याग कर हम हमारा समय गंवाना बंद कर दें। कैसे? मित्रों, आज तक हम जिन फुर्सत के पलों की बातें करते आए हैं और जिस प्रकार के समय की हम राह देखते आए हैं, यह लॉकडाउन वही तो है। सर इस लॉकडाउन में जो हमारे पास में काफी समय है और हम सब लोग परिवार के साथ में हैं, तो समय के सदुपयोग के विषय में आपकी सलाह क्या होगी? अपनी हॉबी को करना और उसे विकसित करना, कोई नई बात सीखना, कोई नया हुनर सीखना। खुद का स्वॉट एनालिसिस और आत्म परीक्षण तो हम करते आए हैं, पर अब अपने परिवार के साथ बैठकर पूरे परिवार का स्वॉट एनालिसिस करना। उसी तरह यदि हमारे किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ हमारी कोई अनबन है, बातचीत बंद है किसी कारण, तो उसे कैसे सामान्य किया जा सकता है यह सोचना और पहल खुद होकर करना। अपने परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को हम अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी पूरी जानकारी देना, अपने कर्ज, अपने निवेश, अपने लेने अपने देने, बीमा आदि की सारी बातें बता देना और सबके साथ मिलकर निकट भविष्य के लिए एक आर्थिक योजना बनाना। अपने मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव आदि में जो हमने हजारों हजारों फोटो और वीडियो आज तक संभाल कर रखे हैं, उन्हें सबके साथ मिलकर देखना और अपनी पुरानी यादों को तरोताज़ा करना। रोज कुछ रिश्तेदार एवं मित्रों को ऑडियो या वीडियो कॉल करना, अपने ध्यान और भक्ति में अधिक समय बिताना और अपने उस प्रभु परमेश्वर के और निकट हो जाना। वो जो आपके घर की बालकनी है ना, हाँ वही बालकनी जिसे बनाते वक्त आपने कई सारे सपने देखे थे, उस बालकनी में आप कुछ पल बिताकर अपने सपनों को पूरा करना। पर हाँ एक बात है, वहाँ बैठकर वहाँ समय बिताते हुए यदि आपको कुछ पीना है तो दोस्तों कॉफ़ी ही पीना। रोज़ भरपूर व्यायाम, योग, प्राणायाम करना, घर के बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादा समय बिताना, उनके समय की बातें उनसे पूछना, उनसे जानना, क्योंकि वह बातें बताते वक्त उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है। कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज इन दिनों हो रहे हैं, उन सभी कोर्सेज का लाभ उठाना, अलग अलग भाषाएं सीखना, कंप्यूटर के साथ अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज करना, ऑनलाइन व्यक्तित्व विकास की कार्यशालाएं हो रही है उन्हें करना और इस तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास करना। पूरे परिवार के साथ बैठकर कुछ इंडोर गेम्स खेलना, हंसी मजाक करना, मस्ती करना, चिढ़ना चिढ़ाना, कुछ अच्छी फिल्में या टीवी धारावाहिक देखना, अपने बच्चों को अच्छाई बुराई समझाना, उनके साथ जीवन मूल्यों की बातें साझा करना, उन्हें अपने जीवन के कुछ संघर्ष बताना, उनके बारे में भी उनकी व्यक्तिगत बातों को जानना और उन्हें प्रेरित करते रहना। ऐसी कई सारी बातें आप कर सकते हैं जिनसे ना ही आप बोर होंगे और ना ही कोई नकारात्मकता आप में, आपके आसपास के लोगों में आएगी।
बल्कि समय का पूरा सदुपयोग भी होगा और आपसे रिश्ते भी और मजबूत होते जाएंगे। सर, जैसे कि सभी का कहना होता है कि बातें कहने के लिए तो बड़ी आसान होती है पर करने के लिए कठिन होती है, तो इस लॉकडाउन के बारे में आप अपने दिनचर्या के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपका लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था पर मेरा लॉकडाउन आपके करीब 22 दिन पहले ही शुरू हो चुका था, क्योंकि मेरी तबीयत के कुछ इश्यूज के चलते मैं 3 मार्च से 12 मार्च तक हॉस्पिटलाइज था और 13 मार्च से डॉक्टर के कहने पर अपने घर पर ही आराम कर रहा हूँ। एक बार भी मैं घर के बाहर नहीं निकला, गेट के भी बाहर नहीं गया। इसलिए निश्चित आपसे मेरा लॉकडाउन बड़ा है, ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी इस लॉकडाउन का भरपूर आनंद उठा रहा हूँ। खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, हंसता हुआ हूँ। मैं और क्या कर रहा हूँ वह भी आपको विस्तार से बताता हूँ। पूरे परिवार के साथ बैठकर मैं रोज़ रामायण धारावाहिक देख रहा हूँ। रोज़ थोड़ी देर पत्नी और बच्चों के साथ ताश कैरम खेलता हूँ, मस्ती करता हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करता हूँ। पूरे परिवार के साथ रोज़ शाम में सबको लेकर पूजा घर में बैठता हूँ तथा हनुमान चालीसा, आरती, भजन आदि करता हूँ। यह बात मैं कई वर्षों से अपने परिवार के लिए सोच रहा था लेकिन उसे करने का मौका इस लॉकडाउन ने ही मुझे दिया है। रोज़ अच्छी प्रेरणात्मक किताबें पढ़ता हूँ और आधा घंटा गीता सार भी पढ़ता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं आपसे साझा करता हूँ, जो शायद मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ दोस्तों, कि पिछले करीब एक वर्ष से मैं किताब लिखने का कार्य कर रहा हूँ। मेरा यह सपना था कि एक किताब का तो भी मैं प्रकाशन करूँ। उस किताब का इस लॉकडाउन शुरू होने के पहले करीब 70-80% काम पूर्ण हो चुका था, पर बचा हुआ काम पूरा करने के लिए यह लॉकडाउन मुझे बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। आप जल्द ही उस किताब को प्रकाशित होते हुए देख पाएंगे। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि सारी खबरदारियों को अपनाते हुए अपनी और सबकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि बीमारी जितना नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, उससे ज़्यादा नुकसान उस बीमारी का डर या खौफ हमें पहुंचाता है। तो अपने शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें। और यह अवसर बीत जाए और उम्र भर फिर हमें पछतावा करना पड़े कि हमने सुनहरे अवसर को फालतू की बातों में व्यतीत कर दिया, गवा दिया, उससे पहले इस अवसर का आप भरपूर लाभ लेवे। सर, आपके शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आपकी जो किताब लिखने का स्वप्न है वो ईश्वर पूरा करे, हम सब लोगों को वो किताब पढ़ने को मिले। तो मित्रों, आज मनोज जी चांडक के साथ हुई बातचीत आपको कैसी लगी? इस विषय में अपनी राय और आपके सुझाव स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आमंत्रित हैं। आपसे विदा का समय हो गया है। नमस्कार, जय हिंद।